हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का अपने इस प्यारे से चैनल में स्वागत है। आज से बेटा आपकी एडवांस मैथ की जर्नी स्टार्ट हो रही है, जिसमें एडवांस मैथ आपको बिल्कुल टॉप लेवल तक पढ़ाई जाएगी। स्मार्ट अप्रोच विथ कंसेप्ट के साथ रिलेवेंट क्वेश्चन आपको कराए जाएंगे। अब आपको जैसा कि पता ही बेटा कि मैथ जो है आपकी दो कैटेगराइज में बटी हुई है। कितनी? दो कैटेगराइज में बटी हुई है। एक बेटा हो गई आपकी कौन सी? अर्थमेटिक, अर्थमेटिक एंड एडवांस। हम आपको एडवांस वाला पोर्शन पूरा कंप्लीट करवाएंगे बेटा। चलिए अब बात आती है कि एडवांस मैथ में कौन कौन से चैप्टर होते हैं, स्टार्टिंग कहाँ से की जाए। तो बेटा सारा कुछ आपको मिलेगा, सारी क्लासेस आपको यूट्यूब पर फ्री मिलेगी। अब स्टार्ट करते हैं अपनी जर्नी को। तो जैसा कि लिखा है आपका एडवांस मैथ, एडवांस मैथ, एडवांस मैथ में कौन कौन से चैप्टर होते हैं थोड़ा एक बार देख लेते हैं। इसका सिनेरियो क्या लिखा है? जियोमेट्री, ज्यामिति। सेकंड है आपका ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणमिति। सेकंड आपका अलजेब्रा, बीजगणित। के बाद आपका नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। के बाद बेटा कौन सा है अपना? मेंसुरेशन, क्षेत्रमिति। एंड इज लास्ट है आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, निर्देशांक ज्यामिति। जैसा कि आपको पता ही है कि आपके एडवांस मैथ के पोर्शन का वेटेज कितना रहता है, 20 से 25 क्वेश्चन आपके आते हैं एसएससी सीजीएल की अगर बात की जाए। अब आपकी बात आती है कि बेटा स्टार्टिंग कहाँ से की जाए, तो थोड़ा सा ये जान लेते हैं कि किस चैप्टर का कितना ज़्यादा वेटेज रहता है। तो बात करें पहले ज्योमेट्री की, तो ज्योमेट्री में बेटा प्री में इसका वेटेज रहता है 2 से 3 क्वेश्चन आने की संभावना पूरी रहती है। अगर मेंस की बात की जाए एडवांस में, ओनली ज्योमेट्री की बात कर रहे हैं, एडवांस में ज्योमेट्री के पोर्शन की बात कर रहे हैं, प्री में 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं, मेंस में बेटा आपके 3 से 4 क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं। तो ओवरऑल इसका जो वेटेज रहता है 5 से 7 क्वेश्चन का रहता है केवल ज्योमेट्री का बेटा। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो ज्योमेट्री अपने आप में बहुत स्कोरिंग का हो जाता है। इसके बाद बेटा आपका मेंसुरेशन भी आपका कुछ ज्योमेट्री के पोर्शन के बराबर रहता है वेटेज स्कोरिंग के माध्यम से अगर देखा जाए। तो अब बेटा आपकी स्टार्टिंग करते हैं एडवांस मैथ में ज्योमेट्री से। ज्योमेट्री को अगर आपसे ढंग से अच्छे लेवल में पढ़ेंगे शिद्दत से, तो बेटा 1 से 1.5 मंथ का आपका समय चाहिए केवल ज्योमेट्री को अच्छे लेवल पे। सारे कॉन्सेप्ट आपको पढ़ाए जाएंगे विथ स्मार्ट अप्रोच के साथ। स्टार्टिंग की जाए अपनी जर्नी को ज्योमेट्री से। ज्योमेट्री बेटा बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट हो रहा है, पॉइंट, लाइंस एंड एंगल, बिंदु, रेखा और कोण, बिंदु, रेखा और कोण। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं क्या है अपना। वी हैव डिवाइडेड द ज्योमेट्री इंटू 5 सब टॉपिक विच आर एज फॉलोअप्स। मतलब कहने का क्या हुआ, हमने ज्यामिति को 5 उपविसर्गों में बेटा विभाजित किया है जो इस कैटेगराइज में बटे हुए हैं, लेवल वाइज आपको पढ़ना है। चलिए देखते हैं क्या क्या है। पहला पॉइंट आपका क्या लिखा है? पॉइंट, लाइंस एंड एंगल, बिंदु, रेखा और कोण, बिंदु, रेखा और कोण। इसके बाद नेक्स्ट क्या है अपना? ट्रायंगल, त्रिभुज। नेक्स्ट क्वाड्रिलेटर, चतुर्भुज। नेक्स्ट पॉलीगॉन, बहुभुज। नेक्स्ट सर्कल यानी वृत्त, सर्कल यानी वृत्त। पॉइंट, लाइंस एंड एंगल, बिंदु, रेखा और कोण। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक क्या पढ़ेंगे? ट्रायंगल। ट्रायंगल में बेटा जब ट्रायंगल आपको पढ़ाएंगे तो इसमें आ जाता है फंडामेंटल प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल, हाँ सेंटर ऑफ ट्रायंगल। कुछ ट्रायंगल की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं बेटा, ढंग से पढ़ेंगे आप, बस धैर्य बनाए रखना। स्टार्टिंग करते हैं, कौन से टॉपिक उठाते हैं? पॉइंट, लाइंस एंड एंगल, बिंदु, रेखा और कोण। पॉइंट, लाइंस एंड एंगल, बिंदु, रेखा और कोण। देखिए पॉइंट की डेफिनेशन क्या लिखी हुई है, अब पॉइंट इज अ सर्कल ऑफ 0 रेडियस। इससे पहले बेटा मुझे आप एक क्वेश्चन का जवाब दीजिए
कि पॉइंट एंड सर्कल में डिफरेंस क्या है, पॉइंट और सर्कल में बेटा डिफरेंस क्या है, आप ये बताइए मुझे। छोटा सा कंक्लूजन है इसमें, हम आपको बता रहे हैं। देखिए बेटा, जो आपका सर्कल होता है यानी वृत्त गोला, ये छोटा हो या बड़ा हो, मैं कहता हूँ कितना भी बड़ा हो, पर बेटा ये जो आपका सर्कल है इसकी खुद की अपनी क्या होती है, एक रेडियस होती है। सर्कल छोटा हो या बड़ा हो, या मैं कह रहा हूँ कितना भी बड़ा हो, इसकी बेटा खुद की अपनी एक रेडियस होती है, और जिसको हम कैपिटल आर, सॉरी स्मॉल आर से डिनोट करते हैं। जब आपको ट्रायंगल पढ़ाएंगे तब आपको बताएंगे सेंटर से सर्कमफेरेंस तक खींची गई कोई भी लाइन आपकी रेडियस कहलाएगी, जिसको हम स्मॉल आर से डिनोट करेंगे, राइट। चलिए इसके बाद बेटा अपना क्या है, टाइप ऑफ पॉइंट, बिंदु के प्रकार। बिंदु के प्रकार, बिंदु बेटा आपके दो प्रकार के होते हैं, एक आपका कोलिनियर संरेख बिंदु, सेकेंड होता है आपका नॉन कोलिनियर यानी असंरेख बिंदु। तो स्टार्टिंग करते हैं, पहला पॉइंट आपका कौन सा पढ़ने वाले हैं, कोलिनियर पॉइंट। बेटा इससे पहले मैं आपको एक क्लू बता दूं, ये केवल जो सीओ को लिखा है, को बेटा सीओ को एक इंग्लिश का रूट वर्ड है जिसका मतलब ही होता है साथ साथ, और आगे तो आप जानते होंगे साथ निभाना साथिया। चलिए को एक इंग्लिश का रूट वर्ड है जिसका मतलब होता है साथ साथ, एक वो कैब बेटा आपकी यहां से रेडी हो गई। क्या लिखा है, कोलिनियर पॉइंट, हिंदी मीनिंग इसकी होगी संरेख बिंदु। क्या बेटा, संरेख लाइंस के मतलब पॉइंट के मतलब आप जानते होंगे बिंदु, संरेख बिंदु। इफ थ्री और मोर पॉइंट्स सिचुएटेड ऑन अ स्ट्रेट लाइन, दीज पॉइंट्स आर कॉल्ड कोलिनियर पॉइंट्स। कहने का मतलब क्या हुआ, दो या दो से अधिक बिंदु एक सीधी रेखा पे मिल जाए तो क्या बोलेंगे बेटा उसको, कोलिनियर पॉइंट, संरेख बिंदु। एग्जांपल आपको दिया गया है, दो या दो से अधिक बिंदु बेटा एक सीधी रेखा पे मिल जाए क्या बोलेंगे उसको, कोलिनियर पॉइंट, करेक्ट। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या है, नॉन कोलिनियर। जैसा कि मैंने आपको बताया पॉइंट आपके दो प्रकार के होते हैं, कोलिनियर, सेकंड हम पढ़ेंगे नॉन कोलिनियर। नॉन का मतलब बेटा समझ ही गए होंगे आप, नहीं, वो एक इंग्लिश का रूट वर्ड है बताया अभी, इसका मतलब होता है साथ साथ। नॉन कोलिनियर पॉइंट्स मतलब कि दो या दो से अधिक बिंदु एक सीधी रेखा पे ना हो तो क्या बोलेंगे, नॉन कोलिनियर पॉइंट, हिंदी मीनिंग बेटा इसकी होगी असंरेख बिंदु, असंरेख बिंदु। डेफिनेशन क्या पढ़ी एक बार रिपीट कर लेते हैं, इफ थ्री और मोर पॉइंट्स आर नॉट सिचुएटेड ऑन अ स्ट्रेट लाइन दीज पॉइंट्स आर कॉल्ड नॉन कोलिनियर पॉइंट। दो या दो से अधिक बिंदु, यह आपका ए बिंदु, दो या दो से अधिक बिंदु एक सीधी रेखा पे बेटा ना हो, जैसे कि मान लो ए की डायरेक्शन आपकी इधर है, बी की थोड़ी इधर है और सी की इधर है, तो देखिए इसकी जो डायरेक्शन है, दो या दो से अधिक बिंदु एक सीधी रेखा पे ना हो क्या बोलेंगे, नॉन कोलिनियर पॉइंट, बात होती है खत्म पॉइंट की इससे। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट आपका क्या है बेटा, लाइंस, पॉइंट पढ़ लिया, पॉइंट पढ़ लिया, इसके बाद बात आती है आपकी लाइन पे, रेखा पे बेटा, किस पे, रेखा। रेखा भी बेटा आपकी दो प्रकार की होती है, कोलिनियर एंड नॉन कोलिनियर। इससे पहले बेटा आप मुझे बताइए कि जो आपकी लाइन रेखा होती है ना, इसकी एक्चुअल डिफिनेशन क्या होती है। तो ज्यादातर जनरली बच्चे क्या बोलेंगे, एक सीधी रेखा खींच दें जिसका आपका शुरू का एंड लास्ट का पता ही नहीं होता है, सीधी रेखा है उसको क्या बोलेंगे, लाइन, जनरली बच्चे यही बोलेंगे। पर बेटा इसकी एक्चुअल मीनिंग क्या होगी, डेफिनेशन आज हम आपको बता रहे हैं। जब आप इस लाइन को बेटा, इस लाइन को माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो ये लाइन आपको कुछ इस प्रकार से दिखेगी, डॉटेड फॉर्म में, बिंदु के प्रकार में। तो अब इसकी एक्चुअल डिफिनेशन क्या होगी, लाइंस की छोटे छोटे कई बिंदुओं से मिलकर एक स्ट्रेट, एक लाइन का निर्माण होता है, छोटे छोटे कई बिंदुओं से मिलकर एक लाइन का निर्माण होता है जिसको हम लाइन बोलेंगे, करेक्ट। लाइन में हम पहला पढ़ेंगे स्ट्रेट लाइन, सीधी
रेखा, सीधी रेखा. A line which does not change its direction at any point is called a straight line. मतलब कि कहने का क्या हो गया, कोई एक सीधी लाइन आप खींचिए जो अपने डायरेक्शन चेंज नहीं करी बेटा, कर्व्ड लाइन नहीं बना रही, घुमावदार कहीं नहीं हो रहा है, तो क्या बोलेंगे, स्ट्रेट लाइन. ये आपके एक स्ट्रेट लाइन का एग्जांपल है ए एंड बी. और स्ट्रेट लाइन की डेफिनेशन क्या होगी और अच्छे से देखेंगे तो, इसका आपका इनिशियल पॉइंट एंड एंड पॉइंट का पता ही नहीं होता है, क्या बोलेंगे उसको, स्ट्रेट लाइन, सीधी रेखा. नेक्स्ट क्या है अपना, कर्व्ड लाइन, घुमावदार रेखा. बेटा क्या हिंदी मीनिंग होगी, घुमावदार रेखा. अ लाइन विच चेंज इट्स डायरेक्शन इज कॉल्ड अ कर्व्ड लाइन, घुमावदार रेखा. ये इस घुमावदार रेखा से क्वेश्चन अभी तक आपका नहीं गया है और कुछ समय तक नहीं पूछा जा सकता, पर ऐसा नहीं है कि छोड़ देंगे, हम थोड़ा इसके बारे में जान लेते हैं बस, ज्यादा इस पर ध्यान नहीं देना आपको कर्व्ड लाइन पे. मतलब कि क्या, ये आपका ए पॉइंट है, ये आपका बी पॉइंट है, एक ही डायरेक्शन बेटा आपकी अपर साइड है एंड बी की डायरेक्शन आपकी राइट हैंड साइड पे. तो देखिए इसके कुछ घुमावदार रेखा बन रही, तो क्या बोलेंगे, कर्व्ड लाइन. बस इस लाइन के बारे में इतना ही आपको जानना था बेटा. चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे. नेक्स्ट है आपका बेटा लाइन सेगमेंट, हिंदी मीनिंग होगी बेटा रेखा खंड. क्या, रेखा खंड. बेटा सेगमेंट का मतलब होता है टुकड़ों में बांटना, खंडों में विभाजित करना. अ लाइन सेगमेंट हैज टू एंड पॉइंट्स, बट जनरली स्पीकिंग लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड अ लाइन. क्या हुआ, अभी आपने पीछे क्या पढ़ा बेटा, स्ट्रेट लाइन, सीधी रेखा. सीधी रेखा आपकी कैसी थी, ये आपने बना दिया दोनों तरफ आपके एरो थे, इसका आपको शुरू का एंड लास्ट का आपका पता ही नहीं था, करेक्ट. इसके बाद अब पढ़ रहे हैं आप लाइन सेगमेंट. सेगमेंट का मतलब होता है टुकड़ों में बांटना. अभी आपका इसका इनिशियल एंड एंड पॉइंट अभी इस लाइन का आपको नहीं पता है, तो अब आप इस लाइन को सेगमेंट करेंगे तो बेटा कैसे करेंगे, आपने मेजर कर लिया यहां से यहां तक की दूरी, आपने कह दी 10 किलोमीटर है, कितनी बेटा 10 किलोमीटर. तो आपने इस स्ट्रेट लाइन को क्या कर दिया, सेगमेंट कर दिया, टुकड़ों में बांट दिया. ये आपके सेगमेंट लाइन का एग्जांपल था, करेक्ट. चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे. नेक्स्ट है आपका टाइप ऑफ लाइन, रेखा के प्रकार. बेटा रेखा के प्रकार, द लाइन आर बेसिकली ऑफ फाइव टाइप एस डिस्कसेस बिलो. पांच प्रकार की आपकी लाइन है, देखेंगे लेवल वाइज कौन कौन सी हैं एक एक करके. पहला पढ़ेंगे बेटा कौन सी है, इंटरसेक्टिंग लाइन. इंटरसेक्टिंग लाइन प्रतिच्छेदी रेखाएं, हिंदी मीनिंग क्या होगी बेटा इसकी, प्रतिच्छेदी रेखाएं, प्रतिच्छेदी रेखाएं. डेफिनेशन क्या लिखी है, इफ टू और मोर लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर देन दे आर कॉल्ड इंटरसेक्टिंग लाइन इन द फिगर. ए बी एंड सी डी आर इंटरसेक्टिंग लाइन, ए बी एंड सी डी आर इंटरसेक्टिंग लाइन. बेटा देखिए अब एक आपकी ए बी रेखा हो गई, एक आपकी सी डी रेखा हो गई, जो बेटा आपस में एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, मिल रही है कटान बिंदु पे, ये इसको क्या बोलेंगे, इंटरसेक्ट कर रही है, करेक्ट. नेक्स्ट चलते हैं. नेक्स्ट है बेटा आपका कॉन्करेंट लाइन, हिंदी मीनिंग होगी बेटा इसकी संगामी रेखाएं, संगामी रेखाएं. अब आप बेटा कहेंगे कि क्या सर केवल दो ही लाइन आपस में इंटरसेक्ट कर सकती हैं, तीसरी लाइन नहीं कर सकती, तो ऐसा नहीं, वो कर सकती है. तो वही आपका नेक्स्ट डाउट क्लियर होगा, कॉन्करेंट लाइन हिंदी मीनिंग होगी संगामी रेखा. डेफिनेशन आप देख सकते हैं क्या लिखी है, इसका मतलब मैं समझाता हूँ कॉन्करेंट लाइन का. अभी आपने क्या देखा, दो लाइन आपकी इंटरसेक्ट कर रही थी, अच्छे समझिए क्लू वर्ड से, ज़्यादा लंबे समय तक याद रहेगा.
व्यक्ति आपस में खुश थे, किसी तीसरे को इसकी खुशी नहीं देखी गई, वो भी आके इसको इंटरसेक्ट कर दिया। बेटा एक पास में और खड़ा था, उसने भी सोचा मैं क्यों चुप रहूं, हाँ उसने भी आके बेटा इंटरसेक्ट कर दिया। मतलब कहने का क्या हो गया, कॉन्करेंट लाइन संगामी रेखाएं, दो या दो से अधिक रेखा आपस में इंटरसेक्ट करें एक किसी बिंदु पे, पर्टिकुलर एक चौक से होके गुजरे तो क्या बोलेंगे, कॉन्करेंट लाइन, करेक्ट। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट बेटा आपका पैरेलल लाइन, क्या पैरेलल लाइन, समांतर रेखा, समांतर रेखा। एग्जाम्पल लेते हैं रेल की पटरियों का, बेहतरीन तरीके से आप समझ पाएंगे। तो आपकी पैरेलल लाइन है, एग्जाम्पल कौन सा लिया, रेल की पटरी। रेल की पटरी बेटा आपको कभी भी मिलती हुई नहीं दिखेंगी, ज़्यादा डीप पे मत जाना आप, ठीक है। चलिए तो बेटा इसकी डिस्टेंस आपने यहाँ पे मेजर की कि एक मीटर है, डिस्टेंस आपने यहाँ पे मेजर की कितनी बेटा, यहाँ पे डिस्टेंस इसकी है एक मीटर। कुछ दूर चलने के बाद, रेल की पटरी का एग्जाम्पल लिया, कुछ दूर चलने के बाद जब बेटा आप यहाँ पे इसकी डिस्टेंस देखेंगे तो वहां पर भी आपको बेटा एक मीटर ही दिखेगी, ना इससे कम ना इससे ज्यादा। तो मतलब कहने का क्या हुआ, इसकी जो डिस्टेंस होगी वो इक्वल होगी, डिस्टेंस जो बेटा जो होगी वो इक्वल होगी, करेक्ट। और पैरेलल लाइन को डिनोट करने का सैम्बल बेटा आपका पता है क्या होता है, ये वर्टिकल लाइन ए बी पैरेलल सी डी, ये आपका एग्जाम्पल दिया गया था जो कि आप समझ पा रहे होंगे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट बेटा आपका परपेंडिकुलर लाइन, क्या परपेंडिकुलर लाइन। आप राइट एंगल ट्रायंगल से बहुत फैमिलियर होंगे, जो मैथ के बैकग्राउंड से होगा, क्लास टेंथ पे बहुत ट्रायंगल बनाए होंगे आपने, हाँ बहुत सारे ट्रायंगल बनाएंगे, समकोण त्रिभुज। तो बेटा देखिए अगर यहाँ पे ये प्लेन फिगर है, इसके बाद इसमें एक एरोप्लेन आप बना दीजिए, इसके बाद यहाँ पे कितने डिग्री का कोण बनेगा आपका 90, इसको मेजर कीजिए, राइट एंगल ट्रायंगल बना दीजिए, और राइट एंगल ट्रायंगल में एक कोण आपका 90 का फिक्स होता है बेटा, ठीक है। इसके बाद डेफिनेशन आप देख सकते हैं, और परपेंडिकुलर लाइन जो है इसको किस सिंबल से डिनोट करते हैं, जैसे कि ए बी रेखा सी डी पे परपेंडिकुलर है, आप देख सकते हैं नीचे ए बी, एक वर्टिकल लाइन और हॉरिजॉन्टल लाइन दोनों को मिला दो, इसको सिंबल को डिनोट करने का ये साइन होता है ए बी पैरेलल सी डी रेखा, या आप ऐसे भी कह सकते हैं सी डी पैरेलल ए बी, करेक्ट। चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट है आपका बेटा ट्रांसवर्सल, और ये इस चैप्टर का बिल्कुल जड़ है, सारा कुछ कंक्लूजन इसी ट्रांसवर्सल से है, आगे आप क्वेश्चन देखेंगे तो इसी ट्रांसवर्सल से ही बनेंगे बेटा, तो आपको इस कॉन्सेप्ट पे ज्यादा ध्यान देना है। ट्रांसवर्सल लाइन हिंदी मीनिंग बेटा होगी इसकी तिर्यक रेखा, क्या तिर्यक रेखा। इसको समझते क्या है, अ लाइन विच इंटरसेक्ट टू और मोर गिवेन लाइन एट डिस, इसको हम समझाते हैं क्या है, आपकी दो पैरेलल लाइन हो, पैरेलल हो या ना हो कोई दिक्कत नहीं, अब पैरेलल इस टाइप से भी हो सकती है सीधे ऐसे अगर खींच दे दो पैरेलल लाइन, तो ये भी आपकी पैरेलल लाइन है, इससे आप कंफ्यूज मत होना। इसके बाद बेटा इसको समझते हैं अच्छे से, तो आपकी पैरेलल लाइन, दो पैरेलल लाइन और कोई तीसरी लाइन बेटा इसको आके इंटरसेक्ट कर दे, क्या प्रतिच्छेदित कर दे, तो बेटा यहाँ पे आठ प्रकार के कोणों का निर्माण होता है, कितने आठ प्रकार के कोणों का निर्माण, वो कौन कौन से हैं केवल आप ये देख लें, बाकी एक एक करके सारे पढ़ाएंगे कोण आपको। तो यहाँ पे पहले देखिए x का निशान कहाँ पे बन रहा है, फिर यहाँ पे आपको नेक्स्ट आपको सब क्लियर होगा, वर्टिकल अपोजिट एंगल कारण,
आमने सामने कोण बराबर होते हैं, सारा कुछ बेटा आपको मिलेगा। आपके आठ कोणों का निर्माण होता है। तो पहले मैंने कहा का, क्या कहा, आप पहले देखिए कि बेटा एक्स का निशान, क्रॉस का निशान कहाँ पे बन रहा है। आपने देखा एक आपको ऊपर बन रहा है, एक नीचे। तो बेटा यहाँ पे कुछ आठ प्रकार के कोणों का निर्माण होता है, चार ऊपर और चार बेटा आपके नीचे, चार ऊपर और चार नीचे, 1 2 3 4 5 6 7 and 8 7 8। ये चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट बेटा आपका टाइप ऑफ एंगल्स, कोण के प्रकार, कोण के प्रकार। पहला आपका कौन सा कोण आप पढ़ेंगे, एक्यूट एंगल, हिंदी मीनिंग बेटा होगी इसकी न्यून कोण। क्या, न्यून कोण। इफ द मेजर ऑफ एंगल एन एंगल इज लेस देन 90, 90 से कम, इट इज अ, इट इज एन एक्यूट एंगल। देखिए आपका ये अभी प्लेन सरफेस है, हाँ आप कहेंगे बिल्कुल, इस पे आप एक प्लेन बनाइए। इसके बाद अभी ये जीरो डिग्री पे लाइन है ना ये वाली, और ये आपकी परपेंडिकुलर है एज अ सेम सिमिलरली, ये भी परपेंडिकुलर, ये भी परपेंडिकुलर, ये भी परपेंडिकुलर। आपने क्लास टेंथ पे क्वाड्रेंट पढ़ा होगा, चतुर्थांश। तो चतुर्थांश आपके कितने होते हैं बेटा, चार। प्रथम आपका ये चतुर्थांश होता है, सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ, करेक्ट। चलिए तो अभी आपके क्या जीरो डिग्री पे ये वाली लाइन है। अब बेटा ये आपका परपेंडिकुलर है, तो अब आप पढ़ के आ रहे हैं एंगल, एंगल को पार्ट बाय पार्ट पढ़ेंगे। तो देखिए बेटा एक्यूट एंगल पहला आप देखेंगे ना, तो देखिए अभी ये जीरो डिग्री था, पर जीरो डिग्री से अभी ये इंक्लाइनेशन इसका जैसे जैसे बढ़ता चला जाएगा, इसका झुकाव, वैसे वैसे एंगल का मान भी बढ़ता चला जाएगा। आपका एंगल आपका ये वाला ना, जैसे जैसे अभी देखिए इस रेखा को आपने ये किया तो इसका इंक्लाइनेशन बेटा इतना बढ़ा, तो यहाँ थीटा की वैल्यू बढ़ गई, जीरो से बढ़ गई। अब इसके बाद बेटा आपने इसका इंक्लाइनेशन और बढ़ाया, आपने परपेंडिकुलर कर दिया, तो अब थीटा की वैल्यू कितनी हो गई, 90, करेक्ट। अब आपने इसका इंक्लाइनेशन 90 से भी ज़्यादा कर दिया, तो थीटा की वैल्यू अब क्या हो गई, 90 से ज़्यादा। फिर उसके बाद आपने 90 से ज़्यादा किया, पर अब उससे भी ज़्यादा कर दिया, आपने सीधी लाइन पे पहुँच गया, क्या स्ट्रेट लाइन पे, तो थीटा की वैल्यू अब क्या हो गई, 90 से भी और ज़्यादा हो गई। तो कुछ इस कैटेगराइज में पढ़ेंगे, आपको एंगल में पढ़ना है। देखिए पहला कौन सा पढ़ेंगे, एक्यूट एंगल, न्यून कोण। बेटा इस एंगल में आपको दो बातों की पे ध्यान देना है, एक तो आपका इसका ग्राफ कैसे बनेगा, सेकेंड बात आपको इसकी रेंज देखनी है बेटा, क्या रेंज। तो जो आपका एक्यूट एंगल है बेटा, इसका ग्राफ यूं बनेगा, देखिए डॉटेड से कर दे, तो अभी क्या बेटा थीटा की जो वैल्यू है बेटा 90 से अभी कम है, 90 से अभी कम है। तो बेटा इसकी मैंने क्या कहा, सबसे पहले आपको इसका ग्राफ देखना है कैसे बनेगा, उसके बाद आपको इसकी रेंज पे ध्यान देना है। इसकी जो रेंज होगी बेटा, रेंज जो थीटा है आपका, ये जो आपका थीटा है, जो क्या हो रहा है यार, ये जो आपका थीटा है जीरो डिग्री से तो बड़ा है, ये थीटा जो है आपका जीरो डिग्री से तो बड़ा है, पर थीटा 90 से बेटा भी कम है। किसी बच्चे को अगर ये बात ना समझ में आए तो इस पार्ट को ब्रेक करके भी आप लिख सकते हैं, कैसे, थीटा जो है आपका जीरो डिग्री से बड़ा है, थीटा आपका जीरो डिग्री से बड़ा है, पर थीटा 90 डिग्री से अभी छोटा है बेटा, 90 डिग्री से छोटा है, करेक्ट। थीटा जो है आपका जीरो डिग्री से बड़ा है, बट 90 से लेस देन है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है बेटा आपका राइट एंगल ट्रायंगल, समकोण त्रिभुज, हिंदी मीनिंग क्या होगी बेटा इसकी, समकोण। इफ मेजर ऑफ एन एंगल इज इक्वल टू 90, 90 के बराबर थीटा की वैल्यू, देन इट इज अ राइट एंगल। ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल का फिगर है, जिसमें राइट एंगल ट्रायंगल में आप जानते हैं समकोण त्रिभुज में बेटा एक कोण आपका 90 का फिक्स होता है,
करेक्ट। तो आपको ये थीटा, तो थीटा की बेटा जो रेंज हो जाएगी, वैल्यू हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, करेक्ट। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट है बेटा आपका ऑब्ट्यूज एंगल। अभी बेटा आपने ऐसे देखते हैं, अभी आपने 90 से कम वाला थीटा पढ़, एंगल पढ़ लिया, 90 तक पढ़ लिया। अब बेटा इसका जो इंक्लाइनेशन है आपने 90 से भी ज्यादा वाला ज्यादा कर दिया, तो अब ये पूरा थीटा जो है आपका 90 से ज्यादा है, करेक्ट। तो ऑब्ट्यूज एंगल, अधिक कोण, हिंदी मीनिंग होगी बेटा इसकी अधिक कोण, ऑब्ट्यूज एंगल। इफ मेजर ऑफ एन एंगल इज मोर देन 90 से ज्यादा, बट लेस देन 180 180 से कम, देन इट इज अ ऑब्ट्यूज एंगल, देन इट इज अ ऑब्ट्यूज एंगल। ये आपका ऑब्ट्यूज एंगल का बेटा फिगर है। तो यहाँ पे थीटा है, इसकी बेटा जो रेंज है, इस थीटा की जो रेंज है आपकी क्या होगी, इधर देखते हैं। थीटा जो है आपका, जैसा अकॉर्डिंग टू कंडीशन आपकी लिखी है डेफिनेशन, थीटा जो है बेटा आपका 90 से ग्रेटर देन, 90 से बड़ा, बट लेस देन 180 180 से छोटा। इसको आप ब्रेक करके भी लिख सकते हैं बेटा। ब्रेक कैसे करेंगे, थीटा जो है आपका 90 से बड़ा है, थीटा जो है आपका 90 से बड़ा है, पर थीटा 180 से अभी लेस देन कम है, करेक्ट। चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट आपका कौन सा एंगल है, स्ट्रेट एंगल, रिजु कोण, हिंदी मीनिंग बेटा इसकी होगी रिजु कोण, ऐसे लिखा जाएगा इसको, रिजु कोण। इफ मेजर ऑफ एन एंगल इज इक्वल टू 180 180 के बराबर, देन इट इज अ स्ट्रेट एंगल, रिजु कोण, स्ट्रेट एंगल। आप जानते ही होंगे कि एक सीधी रेखा पे बने सभी कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। एक सीधी रेखा पे, स्ट्रेट लाइन पे बने सभी कोणों का योग कितना होता है बेटा, 180 डिग्री। तो बेटा ये थीटा जो है आपके, इसकी रेंज क्या हो जाएगी, वैल्यू क्या हो जाएगी एंगल की, थीटा इज इक्वल टू 180, थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट आपका कौन सा एंगल है बेटा, रिफ्लेक्स एंगल, कौन सा है, रिफ्लेक्स एंगल, हिंदी मीनिंग होगी बेटा इसकी वृहत कोण, क्या, वृहत कोण। इफ मेजर ऑफ एन एंगल इज मोर देन 180 180 से ज्यादा, बट लेस देन 360 360 से कम, देन इट इज अ रिफ्लेक्स एंगल, रिफ्लेक्स एंगल हिंदी मीनिंग क्या होगी बेटा इसकी, वृहत कोण। ये जो बेटा आपका वृहत कोण है ना, रिफ्लेक्स एंगल, ये ऑब्ट्यूज अधिक कोण की परछाई होती है। और अधिक कोण आपका फिगर क्या था बेटा आपका, ये। अब जब आप इस अधिक कोण को बेटा मिरर में देखेंगे, शीशे में देखेंगे ना, तो ये जो आपकी ऊपर वाली लाइन है ये आपके नीचे दिखेगी ऐसे, करेक्ट। करना एक्सपेरिमेंट, बहुत मजा आती है। चलिए, तो ये रिफ्लेक्स एंगल, रिफ्लेक्स एंगल का आपका ये फिगर है। तो थीटा आप कौन सा मेजर करेंगे, कई बच्चे गलती कर देते हैं, थीटा इसका अंदर वाला लेते हैं बेटा, जो कि गलत है। आपको थीटा कौन सा लेना है बेटा, बाहर वाला। इंक्लाइनेशन तो आप ऐसे घूमते हुए जा रहे हैं, इसका झुकाओ, तो ये बाहर वाला जो होगा थीटा, वो आप मेजर करेंगे ना। तो बेटा यहाँ पे थीटा की रेंज क्या हो जाएगी, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन के हिसाब से भी आप देख सकते हैं, थीटा जो है आपका 180 से ज्यादा है, पर थीटा 360 तक अभी नहीं पहुंचा है, तो लेस देन 360। इसको आप ब्रेक करके भी बेटा लिख सकते हैं, थीटा जो है आपका 180 से ज्यादा है, पर थीटा लेस देन 360 से बेटा अभी ये वहां तक नहीं पहुंचा है, तो अभी ये उससे कम है, करेक्ट। अब आप एक स्लाइड पे सारा कुछ देख लेते हैं, सिनेरियो बना के, क्या क्या अभी तक पढ़ा है, क्या क्या अभी तक पढ़ा है।
स्टार्टिंग की थी ज्योमेट्री, ज्योमेट्री में पॉइंट लाइंस एंड एंगल का टॉपिक उठाया था, पॉइंट लाइंस एंड, ये बेटा एंड का सिंबल होता है, एंड एंगल। सबसे पहले आपने देखा क्या बेटा कि आपके पॉइंट कितने प्रकार के होते हैं, तो आपने कहा पॉइंट आपके दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन से पॉइंट आपके दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन से, कोलिनियर, कोलिनियर पॉइंट, एंड सेकंड क्या पढ़ा आपने, नॉन कोलिनियर, नॉन कोलिनियर पॉइंट। इसके बाद आपने लाइन देखा, हाँ लाइन, तो लाइंस की डेफिनेशन क्या थी, एक्चुअल डेफिनेशन आपने अब जस्ट अभी नेक्स्ट पीछे स्लाइड पे पढ़ा था कि छोटे छोटे कई बिंदुओं से मिलकर एक लाइन का निर्माण होता है। क्या मैंने कहा, छोटे छोटे कई बिंदुओं से मिलकर एक लाइन का निर्माण होता है, करेक्ट। अब लाइन भी सबसे पहले आपने क्या पढ़ा, स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन सीधी रेखा, उसके बाद आपने पढ़ा कर्व्ड लाइन, घुमावदार रेखा, करेक्ट। इसके बाद आपने लाइन के प्रकार पढ़े, लाइन के प्रकार, टाइप ऑफ लाइन, टाइप्स ऑफ लाइन, लाइंस के प्रकार, तो आपने पांच प्रकार पढ़े, कौन कौन से, इंटरसेक्टिंग लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइन जिसका आपने फिगर कैसे बनाया था, यू, दो लाइन आपस में कट कर रही हैं किसी पॉइंट पे, पर्टिकुलर किसी पॉइंट पे, तो उसको क्या बोलेंगे, इंटरसेक्ट कर रही, प्रतिच्छेदी रेखाएं। नेक्स्ट आपने पढ़ा क्या, कॉनकरेंट लाइन, कॉनकरेंट लाइन संगामी रेखाएं, दो या दो से अधिक रेखा लाइन आपस में इंटरसेक्ट किसी पर्टिकुलर किसी पॉइंट पे कट करें तो क्या बोलेंगे, कॉनकरेंट लाइन। इसके बाद आपने पढ़ा पैरेलल लाइन, और पैरेलल लाइन को संबोधित करने का आपका फिगर सैंबल क्या था, टू वर्टिकल लाइन, करेक्ट। इसके बाद आपने परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर लाइन को, परपेंडिकुलर लाइन पढ़ा, इसको संबोधित करने का आपका सैंबल क्या था, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल को, लाइन को दोनों को मिला दो। इसके बाद आपने ट्रांसवर्सल पढ़ा, क्या पढ़ा बेटा, ट्रांसवर्सल, ट्रांसवर्सल त्रियक रेखाएं। तो बेटा इस ट्रांसवर्सल में अभी केवल आपको इतना ही जानना है कि इसमें आपके आठ प्रकार के कोण बनते हैं, सारे कोणों की चर्चा करेंगे, धैर्य बनाए रखें। इसके बाद बेटा आपने कुछ एंगल्स की जानकारी ली, हाँ एंगल, अब देख लेते हैं कौन कौन से एंगल आपने पढ़े, विथ ग्राफ एंड रेंज के साथ, एक बार और देख लेते हैं, सारा कुछ आपको क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले बेटा आपने पढ़ा एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल न्यून कोण, इसका बेटा ग्राफ आपने क्या फिगर कैसे ऐसे बनाया था, और इसकी बेटा जो आपकी रेंज थी, रेंज क्या थी, थीटा जो है आपका बेटा 0 डिग्री से तो बड़ा है, पर थीटा अभी 90 से छोटा है, करेक्ट। नेक्स्ट आपके कौन सा एंगल पढ़ा, नेक्स्ट आपने पढ़ा राइट एंगल ट्रायंगल समकोण, राइट एंगल, इसमें राइट एंगल पे आपका एक कोण बेटा 90 का फिक्स होता है, तो थीटा की वैल्यू यहां पे क्या हो जाएगी, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, करेक्ट। नेक्स्ट आपने कौन सा एंगल पढ़ा, ऑब्ट्यूज एंगल अधिक कोण, ऑब्ट्यूज एंगल, यहां बेटा थीटा का जो वैल्यू है इंक्लाइनेशन और बढ़ गया 90 से और ज्यादा, इसका ग्राफ ऐसे बनाया था आपने, तो यहां पे जो थीटा की रेंज हो जाएगी बेटा, क्या थीटा की जो रेंज हो जाएगी, क्या हो जाएगी, थीटा जो है आपका 90 से ज्यादा है, बट लेस देन 180, 180 से कम है अभी, ओके। नेक्स्ट आपने पढ़ा स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट एंगल रिजु कोण, और इसमें क्या आपने पढ़ा था, एक सीधी रेखा पे बने सभी कोणों का योग
बेटा आपका 180 डिग्री होता है। इसका फिगर क्यों क्या बनाया था आपने, यू, और थीटा की जो आपकी रेंज हो जाएगी बेटा, वैल्यू हो जाएगी, या क्या हो जाएगी, थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, करेक्ट। नेक्स्ट आपने कौन सा एंगल पढ़ा था, रिफ्लेक्स एंगल, रिफ्लेक्स एंगल, और रिफ्लेक्स एंगल बेटा मैंने क्या बताया था, जो आपका ये रिफ्लेक्स एंगल है ये ऑब्ट्यूज एंगल की शैडो होती है बेटा, परछाई होती है। तो इसका फिगर कैसे बन जाएगा, अभी ऊपर को लाइन गई थी इसकी, अब ये चली जाएगी नीचे, तो ये बाहर वाला एंगल आप मेजर करेंगे, ये भी बात ध्यान देंगे। उसके बाद तो यहाँ पे थीटा की बेटा रेंज हो जाएगी, थीटा की आपकी जो रेंज हो जाएगी क्या हो जाएगी, थीटा जो है आपका मोर देन 180 से ज्यादा, पर थीटा अभी 360 से कम है, पर थीटा 360 से कम है। इसके बाद आप भी जानते हैं एक एंगल बच रहा है, कौन सा, कॉम्प्लीट एंगल, कॉम्प्लीट एंगल, संपूर्ण कोण, मतलब क्या, पूरा इंक्लाइनेशन, पूरा एंगल जहां था वापस घूम के पूरा वहीं आ गया। तो थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी इसकी, थीटा इज इक्वल टू 360 डिग्री, थीटा इज इक्वल टू 360 डिग्री, करेक्ट। एक बार फिर से देख लेते हैं, पॉइंट लाइंस एंड एंगल की स्टार्टिंग की थी, हाँ फिर से चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड, अपनी स्टार्टिंग स्लाइड कहाँ है, ये एडवांस मैथ के पोर्शन की जर्नी स्टार्ट की थी, जिसमें आपको ज्योमेट्री टॉपिक उठाया था। अब इस ज्योमेट्री टॉपिक में पॉइंट लाइंस एंड एंगल की स्टार्टिंग की थी, करेक्ट, जिसमें हमने पॉइंट लाइंस एंड एंगल की स्टार्टिंग की थी, पॉइंट और सर्कल में डिफरेंस क्या होता है बेटा हमने देख लिया। इसके बाद पॉइंट आपके कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के, कोलिनियर पॉइंट, संरेख बिंदु, एंड सेकेंड आपका नॉन कोलिनियर पॉइंट, असंरेख बिंदु। नेक्स्ट नेक्स्ट हमने लाइन की जानकारी ली, क्या, रेखा की, छोटे छोटे कई बिंदुओं से मिलकर एक लाइन का निर्माण होता है। लाइन में सबसे पहले पढ़ा स्ट्रेट लाइन, सीधी रेखा, नेक्स्ट नेक्स्ट पढ़ा कर्व्ड लाइन, घुमावदार रेखा, नेक्स्ट लाइन सेगमेंट, सेगमेंट का मतलब इतना होता है टुकड़ों में बांटना, जैसे कि आप बोर्ड परीक्षा में जब होंगे तब लिखा होता था ना, 5 सेंटीमीटर ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट, 10 सेंटीमीटर ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट, 12 सेंटीमीटर ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट, हाँ चलिए। इसके बाद टाइप ऑफ लाइन, रेखा के प्रकार, तो आपने पांच प्रकार के पढ़े, इंटरसेक्टिंग लाइन, दो रेखाएं आपस में इंटरसेक्ट करें, किसी कटान बिंदु पर मिले, इंटरसेक्ट करें तो क्या बोलेंगे, प्रतिच्छेदी रेखाएं। नेक्स्ट पढ़ा आपने कॉन्करेंट लाइन, संगामी रेखाएं, दो या दो से अधिक लाइन आपस में एक पर्टिकुलर चौक से होके गुजरे, मतलब कट कर रही है ना, सारी एक रेखाएं एक पॉइंट पे इक्वल मिल रही है, कॉमन पॉइंट पे, क्या बोलेंगे, कॉन्करेंट लाइन, संगामी रेखाएं। नेक्स्ट पैरेलल लाइन, पैरेलल लाइन मतलब एग्जांपल किसका लिया था बेटा, रेल की पटरियों का, जो बेटा इसकी डिस्टेंस हमेशा इक्वल रहेगी, डिस्टेंस इसकी इक्वल रहेगी, दूरी। नेक्स्ट है आपका परपेंडिकुलर लाइन, परपेंडिकुलर लाइन में आपको पता है समकोण त्रिभुज में एक कोण आपका 90 का फिक्स होता है ये बेटा, इसको, इस सिंबल्स को डिनोट करने का परपेंडिकुलर का आपका ये होता है, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल, करेक्ट। नेक्स्ट आपने पढ़ा ट्रांसवर्सल, और सारा कुछ कंक्लूजन इस ट्रांसवर्सल पे ही, पॉइंट लाइंस एंड एंगल टॉपिक का। अभी आपको केवल इतना ही जानना है इसमें बेटा कि आपके इसमें आठ प्रकार के कोण बनते हैं बेटा, कोण आपके दो ही होते हैं पर टाइप उसके हो जाते हैं आठ, सारा कुछ आपको बताएंगे, पेशेंस रखें। नेक्स्ट पढ़ा आपने टाइप ऑफ एंगल, कोण के प्रकार, कुछ आपने पास छह कोण पढ़े, पहला आपने पढ़ा न्यून कोण, अधिक न्यून कोण, न्यून कोण मतलब एक्यूट एंगल, जहां पे थीटा की रेंज क्या थी बेटा, 0 डिग्री से ज्यादा थी पर थीटा 90 डिग्री से कम था, करेक्ट। नेक्स्ट आपने पढ़ा राइट एंगल ट्रेंगल, समकोण त्रिभुज, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। नेक्स्ट पढ़ा आपने ऑब्ट्यूज एंगल, अधिक कोण,
अधिक कोण थीटा की जो रेंज थी बेटा इसमें 90 से ज्यादा थी, पर थीटा 180 से अभी लेस देन कम था। नेक्स्ट आपने पढ़ा स्ट्रेट एंगल, रिज कोण, सीधी रेखा पे बनी बने सभी कोणों का जो बेटा योग होता है कितना होता है 180 डिग्री, करेक्ट। नेक्स्ट आपने पढ़ा रिफ्लेक्स एंगल, रिफ्लेक्स एंगल वृहत कोण, थीटा की जो रेंज होती है इसकी बेटा 180 से ज्यादा होती है, पर थीटा भी 360 से कम है, करेक्ट। इसके बाद आपने ये सिनेरियो देख लिया था पूरा एक बार रिपीट करके, ये करेक्ट। अब इसके बाद नेक्स्ट आपको पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में पेयर ऑफ एंगल, पेयर ऑफ एंगल नेक्स्ट क्लास की आपकी स्टार्टिंग यहीं से होगी। और बेटा आपको बता दिया जाए कि ये जो आपकी जर्नी स्टार्ट हुई एडवांस मैथ की, रिलेवेंट क्वेश्चन कराए जाएंगे बेटा इसमें विद कॉन्सेप्ट स्मार्ट अप्रोच आपको मिलेगा। इसके बाद बेटा लाइंस एंड एंगल ये टॉपिक चल रहा है 3 से 4 क्लासेस में खत्म होगा। हाँ ज्यादा किस इस टॉपिक से लाइंस पॉइंट लाइंस एंड एंगल से ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, फिर भी आपको इसमें हम 25 से 30 क्वेश्चन करवाएंगे, 25 से 30 क्वेश्चन करवाएंगे। और आप देखेंगे इस क्वेश्चनों का लेवल वाइज कैसे कैटेगराइज में बैठे हुए क्वेश्चन, धीरे धीरे करके हर एक क्वेश्चन में वैल्यू बढ़ती हुई चली जाएगी, करेक्ट। और इसके बाद बेटा ये सारी क्लासेस आपको यूट्यूब पर फ्री मिलेगी, तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर करना। जो कई मध्यम परिवार से बच्चे होते हैं कोर्स अफोर्ड नहीं कर पाते हैं मैगी कोचिंगों का, ऑफलाइन भी नहीं जा पाते हैं ना ही ऑनलाइन ले पाते, तो बेटा उन बच्चों तक पहुँचाना आपकी जिम्मेदारी है। बाकी हम आपके साथ हैं, आपको सारे टाइप करवाए जाएंगे, लेवल वाइज आपका पूरा चलेगा बेटा। और जो आपकी एडवांस मैथ की जर्नी है बेटा ये आपकी 6 से 7 महीने में आपकी पूरा कंप्लीट करवाएंगे। कंप्लीट कराने के तो हम 2 महीने में भी करा सकते हैं, पर ऐसा नहीं है, आपको लेवल वाइज हर एक कंसेप्ट क्लियर कराया जाएगा, करेक्ट। तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर उन बच्चों तक जरूर पहुँचाना जो अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं बैचेस को, या ऑफलाइन माध्यम से कहीं नहीं दूर जा पा रहे हैं, इतना कॉस्ट नहीं दे पा रहे हैं, ठीक है। तो उन बच्चों तक जरूर शेयर करना। तब तक के लिए बाय बाय, टिल देन गुड बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।